खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जनगण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार, सिर्फ 5.7 पर। उधर महाराष्ट्र एटीएस की सतर्कता के चलते एक बड़ा आतंकी हमला नाकाम हो गया। खूंखार आतंकी संगठन आईएसआई से जुड़े आतंकी महाराष्ट्र में किसी बड़े हमले की साजिश में जुटे हुए थे। कार बम के जरिए भीड़भाड़ वाली जगह को निशाना बनाने की तैयारी थी। विस्फोटक भी जुटा लिए थे, लेकिन वक्त रहते महाराष्ट्र एटीएस की टीम ने संदिग्ध आतंकी को 1 किलो आईईडी के साथ धर दबोचा। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस, जिसके बर्बर आतंकियों ने पूरी दुनिया में मचा रखी है दहशत, और अब आईएसआईएस की आका बगदादी की काली नजर है हिंदुस्तान पर। आईएसआईएस के आतंकी देश के अलग अलग हिस्सों में हमले की फिराक में हैं। महाराष्ट्र में कुछ दिन के भीतर आईएसआईएस के 3 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अबू बकर अल बगदादी की नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस ने रविवार को आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकी को परभणी से गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकी का नाम शाहिद खान है और उसकी उम्र 24 साल है। एटीएस ने शाहिद के पास से 1 किलो आईईडी बरामद किया है। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक संदिग्ध आतंकी शाहिद खान लोन वुल्फ की तर्ज पर महाराष्ट्र में आतंकी हमला करने की तैयारी में था। एटीएस का कहना है कि शाहिद ने कार बम के जरिए भीड़ भाड़ वाली जगह पर धमाका करने की साजिश रची थी। लोन वुल्फ अटैक यानी कि वो आतंकी हमला जिसमें इंसान आईएसआईएस और दूसरे आतंकी संगठन के विचारधारा से प्रभावित होकर आतंकी बनता है, जिसमें आतंकी खुद हमले की साजिश रचते हैं और उसे अंजाम भी देते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में आतंकी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित होकर कई आतंकियों ने लोन वुल्फ अटैक को अंजाम भी दिया है। शाहिद खान महाराष्ट्र के परभणी से गिरफ्तार होने वाला आईएसआईएस का दूसरा संदिग्ध है। कुछ दिन पहले ही एटीएस ने नासिर बिन चाउस नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के बाद एटीएस ने रविवार को शाहिद को 1 किलो आईईडी के साथ गिरफ्तार किया। इससे पहले शुक्रवार को महाराष्ट्र और केरल पुलिस के सांझा ऑपरेशन में कल्याण से आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी रिजवान खान को गिरफ्तार किया गया था। रिजवान की गिरफ्तारी केरल के 20 नौजवानों के भागकर आईएसआईएस में शामिल होने के सिलसिले में की गई थी। आपको बता दें कि मई और जून के महीने में केरल के करीब 20 नौजवान अलग अलग तारीखों पर अलग अलग शहरों से देश से बाहर गए। आशंका जताई जा रही है कि ये सभी नौजवान ईरान के रास्ते सीरिया पहुंचकर आईएसआईएस से जुड़ गए हैं। केरल से भागने वाले ज्यादातर नौजवान इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक के सहयोगी अब्दुल राशिद के संपर्क में थे। माना जा रहा है कि राशिद के बहकावे में आकर ही सभी नौजवान आईएसआईएस में शामिल हुए थे। इस सिलसिले में जाकिर नायक के प्रवक्ता अर्शी कुरैशी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7।